उदाहरण तीन, संख्या रेखा पर वर्गमूल दो का स्थान निर्धारण कीजिए। हल, उदाहरण तीन, हल, हमने सबसे पहले संख्या रेखा बनाई है। संख्या रेखा में बिंदु ए पर एक लंब खींचा है ए बी, तो शून्य से ए तक की दूरी, शून्य को हम यहाँ पे ओ मान लेते हैं, इसको ये बिंदु शून्य को यहाँ पे ओ मान लेते हैं। ओ ए की लंबाई एक इकाई है और हमने ए से एक लंब खींचा है और इस ए बी की लंबाई भी हमारे पास एक इकाई है, तो यहाँ पे ओ ए एक इकाई और ए बी का जो लंब हमने खींचा है उसकी लंबाई भी एक इकाई है। इसके पश्चात हमने ओ और बी को जोड़ दिया है, मिला दिया है सरल रेखा से, रेखाखंड ओ बी को हमने मिलाया। ए बी हमारे पास एक इकाई है, एक इकाई लिया व यहाँ पे हम देखेंगे कि ओ बी की लंबाई क्या है, तो इसके लिए देखेंगे हम त्रिभुज ओ ए बी में हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो आधार हमारे पास OA है, इसका वर्ग ले लिए हमने। अब हमें ज्ञात करना है कि OB की लंबाई कितनी है, तो इसके लिए हमने AB जो लंब है वो एक इकाई का लिया है का वर्ग और OA की जो लंबाई है वो भी एक इकाई हमने माना है। अब हम ज्ञात करेंगे कि OB की लंबाई कितनी है, ये एक का वर्ग हो गया एक धन एक का वर्ग एक, तो ओ बी का मान हो जाएगा एक और एक दो, ओ बी का वर्ग बराबर दो, या ओ बी का जो मान हो जाएगा वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल दो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि ओ से लेके बी की जो लंबाई है वह वर्गमूल दो है। अब हम प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या, जिसका OB की लंबाई वर्गमूल दो है, OB त्रिज्या लेकर एक चाप हमने खींचा, यह संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है। चूंकि OB का मान वर्गमूल दो है अतः OP भी वर्गमूल दो है, यानी संख्या रेखा पर P ऐसा बिंदु है जहाँ यह वर्गमूल दो को दर्शाता है, अतः यहाँ कोई भी परिमेय संख्या नहीं आ सकती, यहाँ पर P का मान वर्गमूल दो है। इस तरह से यह उदाहरण का हल हुआ। इसी तरह हम संख्या रेखा पर वर्गमूल तीन का स्थान निर्धारित करते हैं। सबसे पहले हम संख्या रेखा लिए, संख्या रेखा पर बिंदु ए जो है ओ से एक इकाई की है और हमने ए बी जो है एक लंब खींचा है जिसकी लंबाई भी एक इकाई है। ओ और बी को हमने जोड़ा है जहाँ ओ बी का मान वर्गमूल दो है। आइए देखते हैं कि ओ बी का मान वर्गमूल दो किस तरह से हुआ है। तो हम देखते हैं त्रिभुज त्रिभुज ओ ए बी में, यहाँ पे हम पाइथागोरस त्रिक का प्रयोग करेंगे।
इसमें हम जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक में विकर्ण जो कि ओबी है हमारे पास, विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो यहाँ पे हम ओबी का मान निकालेंगे, ओबी का वर्ग बराबर एबी हमारा एक इकाई है और हमने ओए को भी एक इकाई माना है और हमने लंब भी एबी बराबर एक इकाई खींचा है। तो इस तरह से ओबी का वर्ग बराबर एक का वर्ग हो गया एक और एक का वर्ग हो गया एक, इस तरह से ओबी बराबर ओबी का वर्ग बराबर दो या ओबी बराबर वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो जो दाएं पक्ष में जो दो है हमारा वर्गमूल दो बन जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि ओबी की जो लंबाई है वह वर्गमूल दो है। यहाँ पे हम ओ को केंद्र मानकर ओबी त्रिज्या का एक चाप काटेंगे जो कि संख्या रेखा को पी बिंदु पर काटता है। यहाँ पे हम पुनः पी से एक लंब डालेंगे। यहाँ पे पी बिंदु जो है संख्या रेखा पर वर्गमूल दो को दर्शाती है। इसके बाद पश्चात हम पी पर एक लंब डालेंगे जो कि पी सी होगा जिसकी लंबाई एक इकाई है और हमें अब ज्ञात करना है कि ओ सी की लंबाई कितनी है। तो इसके लिए आइए देखते हैं त्रिभुज ओ पी सी में, त्रिभुज समलंब त्रिभुज है हमारे पास ओ पी सी, इस पे हम पाइथागोरस प्रमेय का पुनः प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास विकर्ण जो है वो ओ सी का वर्ग है बराबर लंब जो है हमारे पास पी सी है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार जो है हमारा ओ पी का वर्ग है आधार। यहाँ पे हम ओ सी का मान ज्ञात करेंगे कि ओ सी विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो हमने पी से जो हमने लंब डाला है पी सी, ये है हमारा एक इकाई का और ओ पी जो है इसकी जो लंबाई है वह वर्गमूल दो है का वर्ग, क्योंकि हमने पी बिंदु को संख्या रेखा पे बताया था कि पी बिंदु जो है संख्या रेखा पर वर्गमूल दो को प्रदर्शित करती है। इस तरह से ओ से लेके पी की जो लंबाई है वह वर्गमूल दो है। आइए आगे देखते हैं, ओ सी का वर्ग बराबर एक का वर्ग हमारा एक हुआ और उसी तरह से वर्गमूल दो का वर्ग यहाँ पे दो हो जाएगा या ओ सी का वर्ग बराबर एक और दो तीन हुआ या ओ सी बराबर वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो यह तीन बनेगा वर्गमूल तीन। इस तरह से ओ सी की लंबाई जो है वर्गमूल तीन है। तो यहाँ पे पी पर एक लंब सी पी खींचे थे हमने जिसमें सी पी एक इकाई है और ओ और सी, ओ को सी से जोड़ा, ओ को केंद्र मानकर पुनः ओ को केंद्र मानकर ओ सी त्रिज्या का चाप काटा जो संख्या रेखा को बिंदु क्यू पर मिलाता है। ओ क्यू की जो दूरी है संख्या रेखा में वह वर्गमूल तीन को प्रदर्शित करेंगी, क्योंकि ओ सी जो हमारा है उसकी लंबाई हमारी वर्गमूल तीन है और क्योंकि हमने ओ को केंद्र मानकर ओ सी त्रिज्या का चाप हमने काटा है जो कि संख्या रेखा को क्यू बिंदु पर काटता है, तो बिंदु क्यू जो है या ओ क्यू की जो कुल दूरी है वो वर्गमूल तीन को प्रदर्शित करती है। अतः वर्गमूल तीन बिंदु क्यू के संगत है। इस तरह से यह इसका हल है।